नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि प्री सेप्टल सेलुलाइटिस या फिर पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या होता है, और प्री सेप्टल सेलुलाइटिस क्यों होता है, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस के क्या साइन और सिम्टम है, एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस पेशेंट को क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आज हम प्री सेप्टल सेलुलाइटिस के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्री सेप्टल सेलुलाइटिस क्या होता है। तो जो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस होता है वह ऑर्बिटल सेप्टम के जो इंटीरियर में सबकटेनियल टिश्यू होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन के कारण एक ऑर्बिट में प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो जाता है। तो जो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है वह एक तरह की डिजीज नहीं है, वह एक तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो जो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस होते हैं वह सब कटानियल जो टिश्यू होते हैं उसको फैलाकर एक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को पैदा करते हैं। तो अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में समझते हैं कि जो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है वह क्यों होता है। तो जो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस होता है स्टेफिलोकोकस ओरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस या फिर कभी कभी हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा के कारण प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो जाता है। तो अब आगे समझते हैं मोड्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन है वह किस तरीके से एक ऑर्बिट में जाता है। तो जो ऑर्गन होते हैं वह किसी भी तरीके से जो प्री सेप्टल टिश्यू होते हैं उस पर आक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि स्किन लेक्रेशन यानी कि चमड़ी पे घाव। अगर किसी पेशेंट के चमड़ी पे घाव है तो उसके कारण भी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। या फिर इंसर्ट बाइट यानी कि कीड़े के काटने पे, तो कीड़े के काटने पे भी एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। या फिर कभी कभी एक आईलिड की सर्जरी के बाद में उस आईलिड में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। या फिर एक्यूट स्टाई हो या फिर एक्यूट डाइक्रोसिसाइटिस हो तो उन पेशेंटों में भी एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। या फिर कान के आसपास कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के कारण भी एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है। तो अब आगे समझते हैं कि एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में क्या साइन और सिम्टम होते हैं। तो एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और प्री ऑर्बिटल स्वेलिंग देखी जा सकती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है जिसमें कि आँख पूरी तरह से बंद हो जाती है और आँख के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, तो यह एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है। और इरीथेमा और हाइपरीमिया हो जाता है और एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस को फीवर भी आ जाता है। और एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस की जो आँख की मूवमेंट होती है वह नॉर्मल होती है और जो विजन होता है वह भी उसका नॉर्मल होता है, 6/6 होता है। और कंजंक्टिवा में किसी भी प्रकार का कोई कंजंक्टिवा कंजेशन नहीं होता है। तो अब आगे समझते हैं कि एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट में पहले है एंटीबायोटिक। तो एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस पेशेंट को 10 दिन के लिए एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है। एंटीबायोटिक टेबलेट में उस पेशेंट को अमोक्सिसिलिन 625 mg 10 दिन के लिए दी जाती है। अगर एक्यूट प्री सेप्टल सेलुलाइटिस कंडीशन है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को सेप्ट्राजोन 1 mg या फिर 2 mg IV इंट्रावेंस दिया जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में ही दिया जाता है। नेक्स्ट है एंटी इंफ्लामेटरी टेबलेट। तो एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में जो स्वेलिंग होती है उस स्वेलिंग को कम करने के लिए एंटी इंफ्लामेटरी टेबलेट दी जाती है। एंटी इंफ्लामेटरी टेबलेट में एसिक्लोफेनिक या फिर आइबुप्रोफेन दिया जा सकता है और आईलिड को गर्म सेक किया जाता है या फिर कभी किसी पेशेंट के सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। आप मेरे द्वारा बताए गए इन इंजेक्शन का या फिर मेडिसिन का एक पेशेंट पे यूज़ न करें। आप डॉक्टर की देख रेख में ही इन मेडिसिन का यूज़ करें, क्योंकि जो सेप्ट्राजोन 1 mg जो इंजेक्शन है IV लगाया जाता है, उस इंजेक्शन से कई बार कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन से बचने के कारण ही उस इंजेक्शन को एक हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है। तो दोस्तों, एक प्री सेप्टल सेलुलाइटिस के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।